हेलो गाइस, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं मशरूम के बीज को कैसे तैयार करेंगे आप अपने घर पे। आप मशरूम के बीज के लिए कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, उसका मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसकी भी टेक्निक बताएंगे। यदि आप अपने घर पर ही इसे बनाना चाहते हैं तो उसका भी हम तरीका बताएंगे कि गेहूँ के बीज से आप किस तरीके से मशरूम का स्पॉन तैयार कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा कि जल्दी के चक्कर में कहीं आप अधूरी जानकारी न ले लें। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मशरूम हमारे देश में बहुत ज़्यादा फेमस है, उससे लोग अच्छी खासी आमदनी अर्जित कर रहे हैं, अच्छा खासा व्यवसाय चल रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि मशरूम का स्पॉन कहाँ से प्राप्त करें, मशरूम का बीज कैसे बनाएं। मशरूम का अगर आप बीज एक बार पा लेते हैं तो उससे आप ढेर सारे बीज तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे, तो यही सारी चीज़ें बताने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा नाम विवेक उपाध्याय है और मैं BSc एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे अपने कॉलेज की तरफ से, जो कि इलाहाबाद में है, उसकी तरफ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं ये काम करूँ। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अपने किसान भाइयों को, जो युवा हैं, जो चाहते हैं कि वो अपना अच्छा एक काम शुरू करें, उनके लिए ये सारी जानकारियाँ हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले आपको गेहूँ का बीज लेना है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गेहूँ के बीज से आप मशरूम का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, मशरूम के बीज का। तो सबसे पहले आपको गेहूँ ले लेना है, एक साफ स्वस्थ अच्छा गेहूँ ले लेना है। अगर ऑर्गेनिक गेहूँ है तो बहुत अच्छा, आपके घर का जो गेहूँ होता है बहुत अच्छा होता है। अगर आप बाजार से गेहूँ लेकर आते हैं तो उसमें हो सकता है केमिकल मिला हो, तो इसलिए उसको अच्छे से पानी से एक बार धो लेना चाहिए। धोने के बाद उससे दुगने पानी में एक भगोने में उसके 15 से 20 मिनट के लिए गर्म करते हैं धीमी आंच पे, ताकि वो जो गेहूँ का बीज है वो अधपका हो जाए। जब गेहूँ का बीज अधपका हो जाता है तो हम उसके पानी को निथार के किसी सूती कपड़े या कागज पे उसको फैला देते हैं 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि उसका पानी अच्छे से सूख जाए, हालांकि नमी उसमें बरकरार रहनी चाहिए। उसके बाद हम उसको किसी पन्नी में या किसी फ्लास्क होता है जैसे कांच के बोतल हो गए, उसमें हम ये सारी गेहूं जो है उसको भर लेते हैं। लेकिन भरने से पहले आपको 2 तरीके के केमिकल पाउडर आते हैं, उसको मिक्स करना होता है। वो केमिकल पाउडर का क्या यूज होता है, वो pH को मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ वो हमारे जो मशरूम का हम उसमें कल्चर डालेंगे उसकी ग्रोथ के लिए उसमें बूस्ट करते हैं। और ये साथ ही साथ गेहूं के जो दाने होते हैं वो आपस में चिपक न जाएं बाद में, उसको सेपरेट करने के लिए भी इनका अहम योगदान है। तो उसके लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और कैल्शियम सल्फेट लेते हैं, जिसे हम जिप्सम के नाम से भी जानते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट को 20 ग्राम के लगभग लिया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट को 10 से 15 ग्राम के बीच में वो भी ले लेते हैं पर केजी के हिसाब से। 1 kg गेहूँ के लिए इतना पाउडर चाहिए, पर्याप्त होता है। तो उसके बाद इन सबको अच्छे से मिक्स करके किसी फ्लास्क में या किसी पन्नी में, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, ऐसा उसमें करके आपको ऑटोक्लेव होना चाहिए। आपके पास ऑटोक्लेविंग इसलिए करते हैं ताकि उसमें जो फॉरेन बैक्टीरिया, फंगस कुछ भी हों, जो हार्मफुल इन माइक्रोब्स होते हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑटोक्लेव में रखते हैं। तो आपको एक चीज़ बताना भूल गए थे कि जो हमारा ऑटोक्लेव होता है उसको हम लोग 22 PSI उसका प्रेशर मेंटेन करके उसको आधे घंटे तक चलाते हैं, ताकि अच्छे से जो हमारा गेहूं है वो स्टरलाइज हो जाए। गेहूं में कोई अगर फंगस वगैरह हैं तो वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएं, इसलिए हम उसको ऑटोक्लेव करते हैं आधे घंटे के लिए। उसके बाद ठंडा करके उसमें हम अपना माइसिलिया डालते हैं। अगर आपके पास मदर कल्चर है, जैसे अभी हम बना रहे हैं तो ये मदर कल्चर हम बना रहे हैं, मदर कल्चर जब बन जाएगा तो उससे हम 40 से 50 नए बॉटल तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम ये माइसिलिया से मदर कल्चर बनाएंगे, फिर मदर कल्चर से और ढेर सारे बनाएंगे, क्योंकि माइसिलिया से मदर कल्चर बनाना ज़्यादा महंगा पड़ता है और मदर कल्चर से और स्पॉन तैयार करना सस्ता पड़ता है। तो उसके आगे की प्रोसेस आप आगे देखिए वीडियो में। तो हम इसको आधे घंटे तक ऑटोक्लेव में रखते हैं, उसके बाद हम इसको बाहर निकाल दें। अगर ऑटोक्लेव नहीं है तो आप कैसे करेंगे, घर में बना रहे हैं तो उसके लिए आप कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकर में नीचे पानी भर दीजिए थोड़ा सा, उसको छन्नी लगा दीजिए,
ताकि जो छन्नी है वो पानी को सेपरेट करे, और उसके ऊपर गेहूँ फ्लास्क में डाले हैं या फिर किसी कांच की बोतल है या पन्नी है तो उसमें रख देंगे। और पन्नी को ध्यान रखना है कि जो पन्नी है वो कुकर के सरफेस में कहीं अगल बगल छूने न पाए। तो इस प्रकार से आप कुकर में भी कर सकते हैं, 5 से 6 सीटी आएगी तो आपका उसमें भी ऑटोक्लेविंग हो जाएगा, और अगर आपके पास ऑटोक्लेव है तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम उसमें से निकालते हैं, ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद हम उसको लेमिनार में ले जाते हैं। लेमिनार नहीं है तो आप अपने कमरे को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए, कहीं से भी उसमें कोई भी गंदगी ना हो, खिड़की दरवाजे सारी तरीके अच्छे तरीके से बंद हो। उसके बाद हम उसमें करते हैं, अगर हम लैब में करते हैं, मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास लेमिनार होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लेमिनार को अच्छे तरीके से साफ करते हैं, ये माइक्रोविहीन होना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके की गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसमें हम मशरूम का जो माइसिलियम होता है जिसे कल्चर बोलते हैं उसको हम निकालते हैं थोड़ा सा और अपने गेहूं के बीज में ऐड कर देते हैं। उसके बाद उसको ला के हमारे पास एक इंक्यूबेटर होना चाहिए जिसमें हम अपना टेम्परेचर कंट्रोल में रख सकें, तो 25 में प्लस माइनस 1 डिग्री प्लस माइनस के रेंज में रखते हैं इंक्यूबेटर में। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस सेट करके रखते हैं तो उसमें 24 भी हो सकता है या फिर 26 हो सकता है, तो उस हिसाब से हम उसको इंक्यूबेटर में रख देंगे। 10 से 15 दिन लगभग लग जाता है उसकी ग्रोथ होने में। उसके बाद वहाँ जब ग्रोथ हो जाएगी तो आप देखेंगे आपका जो पन्नी है, जो आपका स्पॉन तैयार हो जाएगा गेहूँ के बीज में, और आप एक अच्छा स्पॉन तैयार कर लेंगे। उसके बाद आप इससे अपने भूसे में जो जिस तरीके से मशरूम कल्टीवेशन किया जाता है आप उसमें कर लेंगे। अभी हम इसका मशरूम कल्टीवेशन भी करके देखेंगे, हम लोगों ने स्पॉन बना रहे हैं, हम लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पर, प्रैक्टिकल के तौर पर 3 अलग अलग फार्मूले से स्पॉन बनाया है, देखते हैं किसका रिजल्ट अच्छा आता है। हम तीनों के फार्मूले आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपकी सारी समस्याओं को निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस आज का वीडियो यही था, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।